अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल तो आज हम पार्ट सेकंड ऑफ़ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करेंगे जिसमें सात आर्टिकल्स आते हैं जो डील करते हैं विद द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया दैट इज़ आर्टिकल फ़ाइव आर्टिकल सिक्स आर्टिकल सेवन आर्टिकल एट आर्टिकल नाइन आर्टिकल टेन एंड आर्टिकल अलेवन सो स्टार्टिंग फ्राम आर्टिकल फ़ाइव आर्टिकल फ़ाइव सेज़ अबाउट द सिटीज़नशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ़ द कॉन्स्टिट्यूशन It means any person having a domicile and born in India or either of his parent born in India or who has ordinarily been a resident of India for not less than five years immediately preceding the commencement of the constitution. When the commencement of the constitution is in uh, India, it's around uh, 1945.

जो माइग्रेट हुआ हो पाकिस्तान से वो इंडिया का सिटीज़न हो सकता है एट द टाइम ऑफ़ दमेंसमेंट ऑफ़ द कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कोई इंसान तब अगर कोई पर्सन माइग्रेट हुआ हो पाकिस्तान से वो इंडिया का सिटीज़न हो सकता है इफ़ ही हिम सर्फ बॉर्न इन इंडिया और आइदर ऑफ़ हिज पेरेंट्स और एनी ऑफ हिज ग्रैंड पेरेंट्स वॉज वेयर बॉर्न इन इंडिया एज गिवन इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ नाइनटीन थर्टी फाइव पहुँचो दिया गया है पहले ही गोवर्मेंट ऑफ इंडिया एक्ट नाइनटीन थर्टी फाइव में एंड पॉइंट नंबर सेकेंड इज़ इन केस अगर वो अगर एक इंसान माइग्रेट हुआ हो बिफोर नाइनटीन 19 जुलाई नाइनटीन फोर्टी एट फिर वो इंडिया का सिटीज़न बन सकता है बट इफ़ ही हैज़ माइग्रेटेड आफ्टर नाइन आफ्टर नाइनटीन जुलाई नाइनटीन फोटी एट अगर वो माइग्रेट हुआ हो आफ्टर नाइनटीन नाइनटीन 19 जुलाई नाइनटीन फोटी एट फिर उसे एक एप्लीकेशन अप्लाई करनी होगी अथॉरिटी को एज डिसाइडिड बाई लॉ और उस एप्लीकेशन को मूव करवाने के लिए यू शुड है बीन इन इंडिया फॉर एटलीस्ट सिक्स मंथस नाउ आर्टिकल सेवन आर्टिकल सेवन डील्स विथ रिवर्स माइग्रेशन मतलब अगर कोई माइग्रेट हो पाकिस्तान में आफ्टर फर्स्ट ऑफ मार्च नाइनटीन फोटी सेवन दैन ही इज़ नाट एटीज़न मतलब फिर वो सिटीज़न नहीं है इंडिया का बट अगर वो रिटर्न करे इंडिया में फॉर रिसेटलमेंट और परमानेंट रिटर्न करे कोई इंडिया में फिर वो एक्वायर कर सकता है सिटीजनशिप बट उसे भी प्रोसीजर फॉलो करना होगा पहले उसे एप्लीकेशन अप्लाई करनी होगी अंडर द कंसर्न अथॉरिटी एज डिसाइडिड बाई लॉ और उस एप्लीकेशन uh, को मूव करवाने के लिए वन शुड है बीन इन इंडिया फॉर एट लीस्ट सिक्स मंथ्स तो आर्टिकल सेवन में हमने देखा अगर कोई माइग्रेट करे पाकिस्तान में आफ्टर फर्स्ट मार्च नाइनटीन फोर्टी सेवन तो वो इंडिया का सिटीज़न नहीं होगा बट अगर वो रिटर्न करे अंडर अ परमिट फॉर रिसेटलमेंट या परमानेंटली रिटर्न करे इंडिया में देन ही कैन एक्वायर सिटीज़नशिप इन इंडिया बट उसके लिए उसे जो प्रोसीजर है वो फॉलो करना होगा आर्टिकल एट आर्टिकल एट डील्स विद रजिस्ट्रेशन ऑफ पीपल हु आर आउटसाइड ऑफ इंडिया लेकिन कोमेंसमेंट हो रहा हो कॉन्स्टिट्यूशन का तब अगर आप ऑर्डिनरली रेजिडेंट हो आउटसाइड ऑफ इंडिया देन यू कैन गेट रजिस्टर्ड विद काउंसलर्स और डिप्लोमेट्स सो आर्टिकल एट डील्स विद रजिस्ट्रेशन ऑफ पीपल हु आर आउटसाइड इंडिया तो हमने आर्टिकल फाइव देखा आर्टिकल फाइव डील्स विद डोमिसाइल आर्टिकल सिक्स माइग्रेशन आर्टिकल सेवन रिवर्स माइग्रेशन एंड आर्टिकल एट रजिस्ट्रेशन नाउ आर्टिकल नाइन आर्टिकल नाइन पीपल एक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ ए फॉरन कंट्री विल नॉट बी सिटीजन ऑफ इंडिया अगर कोई एक्वायर करे फॉरन सिटीजनशिप किसी और की सिटीज़नशिप तो वो इंडिया का सिटीज़न नहीं रहेगा देन ही विल नॉट बी सिटीजन ऑफ इंडिया तो आर्टिकल नाइन में हमने देखा सिटीज़न नहीं हो सकता अगर कोई इंसान कोई पर्सन एक्वायर करे फॉरन सिटीजनशिप या किसी मतलब कंट्री की सिटीजनशिप तो वो इंडिया का सिटीज़न नहीं हो सकता एंड इंडिया डज नॉट रिकोकोनाइज डिटीजनशिप आर्टिकल टेन आर्टिकल टेन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट अबाउट दूंस ऑफ इंडियन सिटीजनशिप आर्टिकल टेन कहता है एनी पर्सन हु इज अटीजन और डीम्ड टू बीटीजन ऑफ इंडिया पार्लियामेंट कोई ऐसा ला बनाए जिससे उसकी सिटीजनशिप छीन ली जा सकती है अदर दैन दिस ए पर्सन विल कंटिन्यू टू बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया फाइनली आर्टिकल एलेवन. आर्टिकल एलेवन सेज़ दैट द पार्लियामेंट हैज़ द पावर और राइट टू डिटरमाइन एक्विजिशन और टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप इट मीनस पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि सिटीजनशिप के रिलेटेड लॉज कैसे बनाने चाहिए और इस पावर के एक्सरसाइज में पार्लियामेंट ने एक लॉ इैक्ट किया है विच कॉल्ड एज दिटिज़नशिप एक्ट ऑफ नाइनटीन हंड्रेड फिफ्टी फाइव तो आज के लिए इतना ही नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे हाउ ए पर्सन कैन एक्वायर सिटीजनशिप ऑफ इंडिया थैंक्स